Sonia Gandhi ji, Manmohan Singh ji, Anthony ji, P. Chidambaram ji, Gowda ji, Venugopal ji, all my Congress colleagues, General Secretaries, brothers and sisters, friends from the media, I'd like to welcome all of you here today. We are releasing this manifesto, and it is a massive step for the Congress Party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said, this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress Party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That is the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. So when we talk about this, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं जनता से एक रिस्पांस मिलता है तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है तो मैं चिदंबरम जी का देव गौड़ा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी मैनिफेस्टो को एसएस किया वेट किया एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देखिए मैनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया हैं हमारा हार्ट का सिंबल है और पांच हमारे मेन थीम्स हैं सबसे पहला थीम न्याय का थीम प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो झूठ था पूरा देश जानता है कि वो झूठ था हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे 72,000 रुपए हर साल गरीबी पर वार 72,000 और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी एक साल में 72,000 पांच साल में 3,60,000 इससे दो काम होंगे पहला काम गरीबों के जेब में पैसा जाएगा किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार और दूसरा काम जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होके चालू हो जाएगी तो ये हमारा पहला कदम न्याय का कदम दूसरा चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की झूठ मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा
मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है? 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए, एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए। आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। बैंक के डाक उड़ाया, आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा, आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप, और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं, मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा, 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है, बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे, और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपने रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड मालूम है,
पिछले पांच सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है, और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी, और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष का बहुत बहुत शुक्रिया। अवश्य ही हम निभाएंगे के वादे के साथ इस देश में एक निर्णायक शुरुआत कांग्रेस का 2019 का घोषणा पत्र करेगा। हालांकि एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पत्रकार साथियों के जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जवाब हम बाद में भी देंगे, पर संक्षिप्त में कुछ सवाल इस घोषणा पत्र को लेकर और देश के लिए आगे के रास्ते को लेकर हम लेंगे। कृपया अपना हाथ खड़ा करें तो बारी बारी से फिर हम सवाल पूछ सकेंगे। मिथिलेश जी फ्रॉम इंडिया टीवी। जी राहुल जी नमस्कार, मिथिलेश हूं मैं इंडिया टीवी से। आपसे सवाल है, आप लोगों के बीच जा रहे हैं लगातार, विधानसभा चुनाव उसमें भी आप गए, आपको क्या लगता है अभी राष्ट्रवाद की बात की जा रही है, आप उसमें न्याय योजना का मामला है, तो ये तीन चार मुद्दे हैं, और आखिरी भ्रष्टाचार, राफायल और नरेंद्र मोदी जी के जो कंटिन्यूअस नॉनस्टॉप झूठे वायदे। विक्रांत फ्रॉम आज तक। राहुल जी मैं आज तक से कुमार विक्रांत सिंह, आपसे सवाल यह है कि क्या हम लोग कांग्रेस पार्टी के अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार से बात कर रहे हैं, और सवाल यह है कि क्या मनरेगा 15 साल हो गए उस योजना को, वो कहां तक पहुंची है आपके हिसाब से, और नई न्याय योजना और मनरेगा दोनों कितने बड़े गेम चेंजर साबित होंगे, क्या हम नए प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर? ये देश के ऊपर है, मेरे ऊपर थोड़ी है, मैं तो अपना काम करता हूं। ये सवाल तो आपको देश की जनता से पूछना पड़ेगा। जहां तक मनरेगा की बात है, मनरेगा ने 2009 में हिंदुस्तान की जो ड्रामेटिक ग्रोथ थी उसमें मदद की थी। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछें, तो आपको बताएंगे कि जो पैसा डायरेक्टली रूरल एरियाज में गया था उससे इकोनॉमी फायर हुई थी, स्टार्ट हुई थी। वही लॉजिक न्याय योजना का है। देखिए इनमें अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगी हुई है, नरेंद्र वो पैसा जैसे ही वो पैसा उनके जेब में जाएगा वो चीजें खरीदना शुरू करेंगे, इकोनॉमी फायर होगी, स्टार्ट होगी, और जो हमारे यूपीए के समय ग्रोथ के लेवल्स थे वो ही फिर से हो जाएंगे। क्या माइक पीछे देंगे? अरुण सिंह फ्रॉम आईबीएन 7। राहुल जी मैं अरुण सिंह हूं न्यूज 18 इंडिया से। 2019 के चुनाव के लिए नैरेटिव जो सेट होना है, क्या वो आप जो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, किसान, नौजवान, गरीब, गुरबों की बात है, या फिर वो नैरेटिव जिसकी संभावना दिखती? मैं आपको एक बयान बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले अभी रैली में कहा कि राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी ने, आपकी पार्टी का नाम लिया उन्होंने, हिंदुओं को आतंक से जोड़ दिया, अपमानित किया, और इसलिए वो एक मेजॉरिटी सीट छोड़ के माइनॉरिटी सीट से लड़ने जा रहे हैं वायनाड। देखिए नैरेटिव सेट हो गया है, नैरेटिव न्याय है। नैरेटिव है कि अगर नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकता है जेब में, पॉकेट में डायरेक्ट, तो कांग्रेस पार्टी 20% गरीब लोगों को पैसा दे सकती है। नैरेटिव सेट है, 72,000 गरीबों पर वार, 72,000, ये नैरेटिव है। अब इसका शॉक इफेक्ट लगा, जैसे धमाका बोलता है ना, पड़ता है, तो नरेंद्र मोदी जी को शॉक इफेक्ट लगा, और नरेंद्र मोदी
एक के बाद एक किसी ना किसी चीज के पीछे छुप रहे हैं, मगर देश का प्रधानमंत्री देश की सच्चाई से नहीं छुप सकता है। देश की सच्चाई है कि देश में बेरोजगारी है, देश की सच्चाई है कि देश का किसान तड़प रहा है, जी नहीं पा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। देश की सच्चाई है कि नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था अच्छे दिन की, मगर चौकीदार ने चोरी करवाई है। यह सच्चाई है और यह नैरेटिव है देश में। लेट्स गो ऑन द राइट साइड, आदिश रावल फ्रॉम एबीपी। और भैया देखिए एक बात है, चौकीदार छुप सकता है मगर भाग नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की सच्चाई सामने है, देश के सामने है। नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स दिया, किसी भी छोटे दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी मिडिल साइज स्मॉल बिजनेस वाले से पूछ लीजिए, आपको बताएगा हमसे पैसा छीना, अनिल अंबानी को दिया, सिंपल सी बात। तो ये नैरेटिव है। आदिश रावल ऑन द राइट साइड। राहुल जी जीएसटी को लेकर काफी नुकसान छोटे बिजनेसमैन को हुआ है, उसके लिए आपके पिटारे में क्या है, आप कैसे जीएसटी को में रिफॉर्म लाएंगे? हमने कहा है कि गब्बर सिंह टैक्स को हम जीएसटी में बदलेंगे। 5 अलग अलग टैक्स हैं, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, रिश्वत देनी पड़ती है, हम एक सिंपल टैक्स देंगे, कम से कम टैक्स होगा, सरल सिंपल टैक्स होगा। ये काम कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो में लिखा है, ये भी हम डिलीवर करके दे देंगे। सुप्रिया भारद्वाज फ्रॉम TV9। ओके सर। राहुल जी, आई एम कमिंग भारद्वाज से। मेरा सवाल है न्याय योजना को लेकर। न्याय योजना आप लेके आए हैं, बहुत गेम चेंजर है, लेकिन बीजेपी जो है और साथ में कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये डूएबल नहीं है, कैसे करके दिखाएंगे, थोड़ा क्लैरिटी अगर इस पे आप देते। बीजेपी ने कहा था कि किसान का कर्जा माफ करना डूएबल नहीं है, बीजेपी ने कहा था मनरेगा डूएबल नहीं है। मैं मानता हूं कि ये बीजेपी से डूएबल नहीं है, मगर कांग्रेस से ये डूएबल है, कांग्रेस करेगी। और देखिए हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा झूठ है, 2 दिन में हमने कर दिया। आप हम पर भरोसा कीजिए, मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं। मैं 15 लाख नहीं बोलूंगा, मगर 72,000 साल के मैं बोलूंगा, 3,60,000 5 साल के मैं बोलूंगा, ये सच्चाई है, हम करके दे देंगे। संजीव फ्रॉम PTI। राहुल जी, अदर्स आल्सो सर, आई अनाउंस आफ्टर दिस। राहुल जी, बीजेपी इज ट्राइंग टू स्टील द नैरेटिव अवे फ्रॉम द रियल इश्यूज एंड यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम बैक, यू नो। So, in your manifesto, how would you overcome the challenge of reaching out to far-flung areas and the common man at the grassroots level? Well, our flagship idea, NYAY reaches out to every single poor person in this country. 25 crore people are going to be directly impacted by our flagship idea. The ideas that I have mentioned, education, healthcare, and our job strategy, is going to reach out to millions and millions of people in this country. So it is a very inclusive manifesto, and frankly, it is a manifesto that has come to us from the people. We have asked the people, they have told us what they want, we've put it. Manifesto mein aapki man ki baat hai. Hamari man ki baat nahi hai, aapki man ki baat hai. Aap pura Pradhan Mantri ji, Adaniya Sonia ji, dono manch par hain. और कांग्रेस अध्यक्ष ने और चिदंबरम जी भी, जिन्होंने घोषणा पत्र बनाया है, कोई पत्रकार साथी अगर उनसे भी सवाल पूछना चाहे तो स्वागत है। संजय मिश्रा फ्रॉम जागरण। राहुल जी नमस्कार, मैं संजय मिश्रा दैनिक जागरण से हूं। मेरा सवाल आपसे है, आपने घोषणा पत्र में बहुत लंबे वायदे किए हैं और बहुत गंभीर वायदे किए हैं, पर चुनावी बहस गंभीर दिशा में नहीं है। चुनावी बहस जो है वो विभाजनकारी और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे जा रही है। ऐसे में जनता के जो मसले हैं उसको आप चुनावी बहस का हिस्सा कैसे बना पाएंगे, जबकि आप नैरेटिव
जो है वो विपक्ष कहीं ना कहीं नैरेटिव देने में कमजोर दिख रहा। नहीं, मैंने अभी बताया कि नैरेटिव देश में रोजगार का है, किसानों का है और न्याय योजना का है। बीजेपी नैरेटिव को शिफ्ट करना चाहती है, मगर नैरेटिव शिफ्ट नहीं हो सकता है क्योंकि देश की सच्चाई बेरोजगारी है, देश की सच्चाई किसानों की बुरी हालत है। थैंक यू। Pallavi from CN Naibian. I want to ask a question to Mrs. Gandhi and also... I think... Then I want to ask a question to Mr. Rahul Gandhi. Mr. Gandhi, has the Congress made up its mind that you want to go solo as much as you can? Because your decision, for example, to contest from Wayanad has upset the left, who were your allies earlier. And I'm talking about, again, Bengal, I'm talking about other states as well. And Uttar Pradesh. There was a demand for me. Look, there is a feeling in South India, a very strong feeling in South India, that they are not being carried by the current government. South India feels hostility from Mr. Narendra Modi. They feel that they are not being included in the decisions of this country. So I wanted to send a message to South India that we are with you and I am standing with you. That is why I am standing from Kerala. Now, what was the second part of your question? I don't know where you're getting this information from. Last I saw, we have an alliance in Bihar, we have an alliance in Jharkhand, we have an alliance in Tamil Nadu, we have an alliance in Maharashtra. So I don't know where you're getting, which newspapers you're reading. But as far as I can see, we have alliances across the country. Baba from NDTV, can you please pass on the mic? Baba पीछे खड़े हैं, तो जरा उन्हें दे दीजिए। आशीष। राहुल जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि एक आज ही अखबार ने लिखा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण था, तो एक वर्ड जो है बार बार उनके भाषण में आया, हिंदू हिंदू हिंदू। इसको कैसे काउंटर करेंगे आप, हिंदू और राष्ट्रवाद को? देखिए, सब लोग हिंदू हैं, सब लोग हिंदू हैं, मगर देश में रोजगार की जरूरत है, देश में किसानों की मदद करने की जरूरत है, देश में न्याय की जरूरत है, महिलाओं की देखभाल करने की जरूरत है, महिलाओं को रिजर्वेशन देने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी छुप रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सच्चा जो डिबेट है वो नहीं करना चाहते। मैंने आपसे बोला है और मैं फिर से दोहरा रहा हूं, भ्रष्टाचार पे मेरे से आके डिबेट करें, नेशनल सिक्योरिटी में मेरे से आके दिखाएं, करप्शन पे, भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। मैं आपसे पूछता हूं, प्रधानमंत्री आपके साथ ऐसे क्यों नहीं बात करते हैं, आपके साथ क्यों नहीं बात करते हैं, आपसे डरते क्यों हैं? आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो, आप ये प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हो कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से डरते क्यों हो? मैडम गुस्सा कर रही हो, ऊपर देख कर वो चिल्ला रही। आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है, ये आप उनसे नहीं पूछते हो, आप डरते हो पूछने से। मुझसे आप सवाल पूछते हो मगर उनसे आप डरते हो। आप ही पूछिए उनसे, प्रधानमंत्री जी आप हिंदुस्तान की जनता से क्यों डरते हो, हिंदुस्तान की प्रेस से क्यों डरते हो? नरेंद्र मोदी जी डर सकते हैं मगर चुनाव में हम उनको हराएंगे, आप देखना। थैंक यू। वियोन कांग्रेस अध्यक्ष और सभी नेतागणों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमें विश्वास है
कि एक नए इतिहास की संरचना ये जन घोषणा पत्र 2019 करेगा, और अब जिसकी हम सबको इंतजार था, मैं अनुरोध करूंगा कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी से कि वो आए और अपना वक्तव्य यहां दें। सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, एंटनी जी, पी चिदंबरम जी, गौडा जी, वेणुगोपाल जी, ऑल माय कांग्रेस कॉलीग्स, जनरल सेक्रेटरीज, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, आई'd लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू हियर टुडे। वी आर रिलीजिंग this manifesto, and it is a massive step for the Congress party. When we started this process about a year back, I spoke to Mr. Chidambaram, Mr. Gowda, and I gave them two instructions. I said, this is not to be a manifesto made in closed rooms. I understand that the Congress party has a lot of expertise, but this manifesto should reflect the wishes of the people of India. That is the first point. And the second point I said was, whatever is going to be in this manifesto has to be truthful. I do not want a single thing in this manifesto that is a lie, because we have been hearing large numbers of lies spoken every day by our Prime Minister. So I'm happy to say that after over a year of work, they have delivered on both those promises. They have delivered the voice of the people, and I know that because the moment we speak about things that are in the manifesto, there is an immediate resonance from the people. So when we speak about this, जब हम न्याय के बारे में बोलते हैं, जनता से एक रिस्पांस मिलता है। तो ये काफी अच्छी तरीके से हमारी मैनिफेस्टो कमेटी ने काम किया है। तो मैं चिदंबरम जी का, देव गौडा जी का और हमारी बाकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने अपनी एक्सपर्टीज दी, मैनिफेस्टो को एसेस किया, वेट किया। एंटनी जी ने अपना एक्सपीरियंस दिया, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और सोनिया जी ने भी अपने विचार मैनिफेस्टो पे हमें दिए, तो सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, मैनिफेस्टो में पांच बड़े आइडिया हैं। हमारा हार्ट का सिंबल है और पांच हमारे मेन थीम्स हैं। सबसे पहला थीम न्याय का थीम। प्रधानमंत्री ने कहा कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालेंगे, और वो झूठ था। पूरा देश जानता है कि वो झूठ था। हमने उनकी बात पकड़ी और मैंने मैनिफेस्टो कमेटी से पूछा और कहा कि सच्चाई निकाल के हमें दीजिए। हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में सचमुच हिंदुस्तान की सरकार कितना पैसा डाल सकती है? और एक नंबर दिया उन्होंने मुझे, 72,000 रुपए हर साल। गरीबी पर वार 72,000, और यह कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी है कि हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डालेगी। एक साल में 72,000, पांच साल में 3,60,000। इससे दो काम होंगे। पहला काम, गरीबों के जेब में पैसा जाएगा, किसानों के जेब में डायरेक्ट पैसा जाएगा पहली बार। और दूसरा काम,
जो नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके जीएसटी करके हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी है, जैम कर दी पूरी अर्थव्यवस्था को, वो अर्थव्यवस्था एक बार फिर जंप स्टार्ट होकर चालू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला कदम न्याय का कदम। दूसरा, चिदंबरम जी ने कहा सबसे बड़े दो मुद्दे हैं रोजगार और किसान। देश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की, झूठ। मैंने इस मामले में भी मैनिफेस्टो कमेटी से कहा मुझे आप सच्चाई बताइए, सच्चाई क्या है, 2 करोड़ नहीं किए जा सकते तो आप मुझे बताइए सच्चाई क्या है, मैं सच्चाई बोलना चाहता हूं। और सच्चाई बड़ी क्लियर है, 22 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको कांग्रेस पार्टी मार्च 2020 तक भर के दे देगी। 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, उन 10 लाख युवाओं को कांग्रेस पार्टी ग्राम पंचायतों में रोजगार दे देगी। एंटरप्रेनर्स के लिए, आज अगर आप एंटरप्रेनरशिप करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया की दुनिया में आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। हमने एक बहुत इनोवेटिव आइडिया निकाला है, 3 साल के लिए हिंदुस्तान के युवाओं को बिजनेस खोलने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं, किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। आप जाइए एकदम बिजनेस खोलिए, जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे, बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलेंगे, 3 साल के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने मनरेगा के बारे में बोला बोगस स्कीम है, बेकार स्कीम है, मजाक उड़ाया। आज पूरा देश जानता है कि मनरेगा ने हिंदुस्तान की कितनी मदद की थी। तो हम मनरेगा के 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं, 100 से अब हम 150 दिन गारंटी करना चाहते हैं। किसान की बात आप लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया, 10 दिन के अंदर कहा था हम 10 दिन में कर देंगे, 2 दिन के अंदर कर दिया। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह समझ सकते हो। तो किसानों के लिए हमने 2 चीजें, बड़ी चीजें सोची हैं। एक कि एक सेपरेट किसान बजट होना चाहिए, जैसे रेलवे बजट होता था, किसानों का एक सेपरेट बजट होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी, सब उसके सामने होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तो यह हमारा पहला स्टेप। और दूसरा ऐतिहासिक स्टेप, हिस्टोरिकल स्टेप। देखिए, करोड़पति बैंक लोन लेते हैं, आपने देखा अनिल अंबानी जैसे लोग, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी करके बैंक का पैसा लेकर भाग जाते हैं। मगर जो हमारे किसान हैं, ईमानदार लोग, वो जब बैंक लोन लेते हैं, अगर वो पैसा वापस नहीं दे पाते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। हमने निर्णय लिया है कि उसको अब हम क्रिमिनल ऑफेंस ना माने। अगर किसान कर्जा ना दे पाए तो वो क्रिमिनल ऑफेंस ना हो, वो सिविल ऑफेंस हो। तो ये भी एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। शिक्षा में हमने निर्णय लिया है कि जीडीपी का 6% पैसा हिंदुस्तान की शिक्षा में दिया जाए। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, आईआईटीज, आईआईएम, हमारे जो बेहतर सबसे टॉप क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको सब जगह सब लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। तो एजुकेशन के लिए हमारा 6% बजट का टारगेट है।
नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको रिड्यूस किया है, यूपीए के समय से रिड्यूस किया है। हेल्थ केयर में सरकार एक स्कीम लाई है, बेसिकली स्कीम का लक्ष्य हिंदुस्तान की जनता से पैसा लेकर 10-15 उद्योगपतियों को इंश्योरेंस के माध्यम से उनके जेब में पैसा डालना। तो हम इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर पर भरोसा नहीं करते हैं। हम सरकारी अस्पतालों को, सरकारी पब्लिक हेल्थ को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारा फोकस होगा कि गरीब से गरीब व्यक्ति को हाई क्वालिटी अस्पताल की एक्सेस हो, हाई क्वालिटी इलाज की एक्सेस हो। तो ये हमारे 5 फोकस एरियाज होंगे। नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी की आप जानते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपने रिकॉर्ड, आपको रिकॉर्ड मालूम है। पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने देश को बांटने का काम किया है, नफरत फैलाने का काम किया है और उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में उनका रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। आतंकवाद के जो कैजुअलिटीज हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो हम, कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करेगी, देश को एक साथ लाने का काम करेगी और जो हमारा नेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी है उस पे हमारा जबरदस्त फोकस होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।